इधारे बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा साथ में आपको न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड मेथड्स का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा वेलकम टू वीडियो नंबर टू जहाँ पे अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ओके तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि मेथड्स टू सॉल्व एनी सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के दो मेन मेथड्स होते हैं एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा अपना क्या होता है इन मेथड डायरेक्ट मेथड में आपको जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड उसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी बट इन डायरेक्ट मेथड में क्या होता है हमको वेरियस इटरेशन करना पड़ता है जिससे आपको अप्रोक्सिमेट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड की आपको मिलेंगी ओके okay? अब डायरेक्ट मेथड में कौन से कौन से मेथड हमको यहाँ पे पढ़ना अच्छे से गॉस एलिमिनेशन मेथड इसको हमने वीडियो नंबर वन दैट इज प्रीवियस वीडियो में अपने किया हुआ था इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में और अगले वाले वीडियो में रहेगा गाउट्स मेथड के बारे में उसी तरीके से हम गॉस जो भी मेथड जिसको जो भी इट्रेटिव मेथड बोलते हैं उसको भी अपन पढ़ेंगे आगे गॉस सीडल मेथड भी पढ़ेंगे और रिलैक्सेशन मेथड पढ़ेंगे तो ये तीनों मेथड आपके होंगे इटरेटिव मेथड्स में और ये तीनों मेथड आपके आएंगे डायरेक्ट मेथड में तो शुरू करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड के साथ तो गॉस जॉर्डन मेथड जो होता है वो अपना क्या होता है मॉडिफाइड गॉस हम क्या बोलते, है? बोलते हैं ठीक है यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे तो इसका वर्किंग रूल क्या एक बार देख लेते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन वन एक्स प्लस ए वन टू वाई प्लस ए वन थ्री टू बी वन

ठीक है अब मुझे आगे करना क्या होगा मुझे इसका एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना होगा दैट इज इक्वल्स टू ए बी यहां पे हम क्या करेंगे ए और बी को अपन साथ में यहां पे लिख लेंगे फाइन उसके बाद मुझे करना क्या होगा वी हैव टू अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा यहां पे अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशंस है ओके अप्लाइंग एलिमेंट्री दो ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम क्या करेंगे एलिमेंट्री दो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए हम इसको रिड्यूस करेंगे किसको रिड्यूस करेंगे कोपिश मैट्रिक्स को मतलब इस वाले भाग को अपन रिड्यूस करेंगे टू यूनिट मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं वन 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 और बाकी एलिमेंट क्या होंगे जीरो हो जाएंगे ओके ये डायगोनल एलिमेंट अपना क्या वन 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 रहेगा बाकी ये दो एलिमेंट ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट क्या होंगे अपने यहां पे जीरो हो जाएंगी, ओके? बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं ओके तो यहाँ पे ए बी को हम क्या करेंगे बाई एलिमेंट्री दो ट्रांसफॉर्मेशन हमको इस वाले फॉर्म में लेके आना है ओके तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे आखिरी में करस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ क्या होगा यहाँ पे x है तो ये x के लिए क्या होगा डी वन हो जाएगी यहाँ y आएगा तो डी टू हो जाएगा और z के लिए क्या डी थ्री हो जाएगी तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे x इक्वल्स टू डी वन वाई इक्वल्स टू डी टू जेड इक्वल्स टू डी थ्री तो ये तीनों कंबाइन अपने क्या होगा ये आंसर हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे एक प्रॉब्लम को लेकर अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन जो क्या बोलता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस जॉर्डन मेथड आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन दे दिए हैं एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू माइनस फोर माइनस वाइव प्लस जेड इक्व टू माइनस नाइन एंड फोर एक्स माइनस थ्री जेड इक्वल्स टू माइनस टेन तो इसको पहले हम क्या करेंगे मैट्रिक्स वाले फॉर्म में लिख लेंगे दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू बी ए अपना क्या है कोफिशियंट मैट्रिक्स है तो यहाँ पे x का कोफिशियंट क्या है वन है y का क्या है माइनस है और z तो यहाँ पे है नहीं मतलब क्या होगा z का कोफिशियंट यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा उसे तरीके से जीरो माइनस फाइव लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फोर ज़ीरो माइनस ओके राइट हैंड साइड में रखेंगे ठीक है तो माइनस फोर माइनस नाइन माइनस टेन हो गया यहाँ पे बट इसको लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना जो पहला एलिमेंट है ना वो वन होना चाहिए अगर मान लो यहाँ पे टू होता है यहाँ पे फोर होता है यहाँ पे थ्री होता तो हम क्या करते हैं ठीक है इसको अपन कुछ भी रखते लेकिन बाद में हमारा पहला काम क्या होता है इसको वन करने का होता है बट यहाँ पे ऑलरेडी वन दिया हुआ है तो अच्छी बात है ओके अगर मान लो यहाँ पे फोर होता है यहाँ पर वन होता तो इस वाले रो को अपन क्या करते फर्स्ट में लिखते और फर्स्ट वाले रो को हम क्या करते लास्ट में लिखते ओके बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले एलिमेंट को हमको वन करना पड़ेगा ओके ठीक है अब आगे करना क्या है मुझे यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो को लिखना दैट इज सी इक्वल्स टू ए बी तो ए और बी को अपन यहाँ पे कंबाइन लिख लिया ओके अब मुझे करना क्या है डायगनल एलिमेंट को वन वन करना है और बाकी को हम यहाँ पे जीरो 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 करना है सबको ओके तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे इसको वन करना होगा तो यहाँ पे वन है बहुत अच्छी बात है ठीक है अब करना क्या है दोनों को जीरो करना है तो दोनों को जीरो करने के लिए ये एलिमेंट तो ऑलरेडी जीरो है बस मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा ठीक है आपको मैं एक बढ़िया टेक्निक बताऊंगा जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा ओके और इसको आप हर प्रकार के क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो ओके अगर ये दो को जीरो करना है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले दो से इसको अपन इक्वेट करेंगे ठीक है बट मेक श्योर कि आपका ये एलिमेंट क्या हो वन हो तो हमको पहले करना क्या होगा ये जीरो है तो इसको जीरो करना है तो इसको अपन फोर से मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर आर थ्री माइनस आर वन करेंगे ठीक है तो यहाँ पे अपन जो ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं वो अपने क्या होगा ये आर थ्री टेंस टू यहाँ पे करना क्या है फोर टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है तो आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन हो गया ठीक है तो यहाँ पे जो भी चेंजे से किसमें है थर्ड वाले रोम में तो फर्स्ट एंड सेकेंड अपन एज इट इज लिख लेंगे तो यहाँ पे हो गया वन यहाँ पे हो गया माइनस टू यहाँ पे हो गया जीरो यहाँ पे लिखिए माइनस फोर इन द सेम वे यहाँ पे लिखिए जीरो फिर माइनस फाइव फिर वन फिर यहाँ पे लिखिए माइनस नाइन अब थर्ड वाले रो को लिखने से पहले हम क्या करेंगे फोर से फर्स्ट वाले रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना हो जाएगा फोर ये अपना हो जाएगा माइनस एट ये अपना हो जाएगा जीरो एंड दिस विल बी माइनस सिक्सटीन ओके अब फोर माइनस फोर विल बी हाउ मच जीरो ओके आपको दिख रहा होगा आई होप जीरो माइनस ऑफ माइनस एट दैट इज प्लस एट ओके उसके बाद क्या होगा माइनस थ्री माइनस जीरो दैट इज माइनस थ्री अब यहाँ पर देखो क्या होगा माइनस टेन माइनस ऑफ माइनस अब करना क्या होगा ये दो तो जीरो हो चुके हैं अब यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को पहले अपन वन करेंगे उसके बाद ये दो को अपन क्या करेंगे फिर जीरो करेंगे ओके okay? तो इसको मुझे यहाँ पे वन करना तो क्या करेंगे अपन इसको माइनस वन अपन फाइव से इस सेकेंड रो को अपन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर टू टेंस टू माइनस वन अपॉइंट फाइव आर टू हो जाएगा ओके आर टू को हम क्या किए हैं माइनस वन अपॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई किए हैं तो देखो यहाँ पर अपना क्या बन जाएगा ये जो भी चेंजेस है कहाँ पर सेकेंड वाले रो में है तो फर्स्ट और थर्ड रो अपना एज इट इज आएगा दैट इज़ वन माइनस टू ज़ीरो माइनस फोर फिर थर्ड वाले रो को लिख लेते हैं ज़ीरो एट माइनस थ्री फिर यहाँ पर क्या आएगा सिक्स आएगा ओके ये अपने क्या है एट है ध्यान रखने वाली बात अब यहाँ पे क्या करेंगे सेकंड वाले दो को अपन माइनस वन अपॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो जीरो ही रहेगा दिस विल बिकम वन अब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन अपॉइंट फाइव हो जाएगा और इसको अपन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा अपने पास यहाँ पे नाइन अपॉन फाइव बचेगा ओके आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है क्लियर हो गया होगा ठीक है अपने क्या ये एट है अब क्या करना है ये तो वन हो चुका है अब दोनों का ऑप्शन को यहाँ पे जीरो करना है तो क्या करेंगे इसको जीरो करना है तो इसको अपन टू से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे ऐड कर लेंगे और इसको जीरो करना है तो इसको अपन एट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको से माइनस कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा कौन से कौन से दो ऑप्शेशन से अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं आर वन टेन्स टू आर वन प्लस यहाँ पे क्या होगा ये इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पे तो टू टाइम्स आर तो हो जाएगा ठीक है उसे तरीके से अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं R3 थ्री टेंस R3 आर थ्री माइनस एट ओके आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियरली दिख रहा होगा अब करना क्या है इसको उससे ऐड करना है बट बिफोर एडिंग दिस हमको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकंड वाले रो को तो यहाँ पे ये यह जीरो हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा यहाँ पर ये यह एटीन

जीरो जीरो प्लस माइनस ऑफ टू अपॉइंट फाइव दैट इज माइनस टू अपॉन ओके अब यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर प्लस एटीन अपॉइन तो क्या करिए रफ में अपन इसको करेंगे पहले माइनस फोर प्लस एटीन अपॉइंट फाइव माइनस फोर प्लस एटीन अपॉन तो करना क्या होगा अपन एल्सन ले लेंगे फाइव का यहाँ पे क्या होगा ये माइनस ट्वेंटी हो जाएगा और यहाँ पे क्या ये प्लस एटीन है जिस वुल भी माइनस टू अपॉन फाइव तो ये अपना क्या हो जाएगा ये माइनस टू अपॉन फाइव हो जाएगा ठीक है ये आपको दिख रहा होगा अब क्या करना होगा ठीक है अब थर्ड वाले दो को लिखने से पहले हमको इसको इरेज करना है और एट से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ मैं तो ये जीरो हो जाएगा मैं एट से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दिस विल बिकम एट ये अपने क्या हो जाएगा माइनस एट अपॉन फाइव और ये अपने क्या हो जाएगा सेवेंटी टू अपॉन फाइव हो जाएगा ओके okay? अब इसको इससे माइनस करेंगे तो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो माइनस एट अगेन जीरो माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस एट अपॉन फाइव तो इसको अपन पहले कर लेते हैं दैट इज माइनस थ्री यहाँ पे क्या अपने पास है माइनस ऑफ माइनस एट अपॉन फाइव है तो ये अपना क्या होगा प्लस एट अपॉन फाइव हो जाएगा तो अपन एलसीएम ले लेंगे फाइव को यहाँ पे क्या होगा फिफ्टीन हो जाएगा माइनस फिफ्टीन प्लस एट क्या होगा यहाँ पे माइनस सेवन में 5 बचेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा माइनस सेवन अपॉइंट फाइव ठीक है तो यहाँ को यहाँ पे क्या थर्टी आएगा माइनस सेवन टू आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास? -42 ओके okay? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फोर्टी टू अपॉन में फाइव अब देखो हमने क्या किया ये दो को जीरो कर लिया है अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा इसको पहले हम वन करेंगे इसको हम पहले वन करेंगे उसका दोनों को अपन जीरो करेंगे ठीक है तो इसको वन करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे माइनस फाइव अपॉन सेवन से इसको मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो यहाँ पे क्या आएगा आर थ्री टेंस टू माइनस फाइव अपॉन सेवन टाइम्स आर थ्री हो जाएगा ये तो जो भी चेंजेस कहाँ पे थर्ड वाले दो में हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो विल बी एज इट इज तो यहाँ पे वन ज़ीरो माइनस टू अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव ओके फिर यहाँ पे ज़ीरो वन माइनस वन अपॉन फाइव फिर यहाँ पे क्या आएगा नाइन अपॉन फाइव आएगा अब आते हैं थर्ड वाले रोम में ठीक है तो थर्ड वाले रोम में क्या होगा ये तो जीरो जीरो है तो ये जीरो जीरो एज इट इज़ रहेंगे अब माइनस फाइव अपॉन सेवन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना ये वन हो जाएगा और यहाँ पर देखो क्या होगा यहाँ पर देखो अपने पास क्या है माइनस फोर्टी टू बाई फाइव है और उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं माइनस फाइव अपॉन सेवन से कर रहे हैं ठीक है सो माइनस फाइव अपॉन सेवन सिक्स को मल्टीप्लाई करे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा फाइव फाइव भी कैंसिल होगी यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास बचेगा सिर्फ

टेंट टू आर वन प्लस यहाँ पे क्या आएगा इसको जीरो करना है तो यहाँ पे टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करना है सो टू अपॉन फाइव टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा ये आर थ्री आएगा उसी तरीके से अपन आर टू में क्या करने वाले हैं डैट इज आर आर टू प्लस वन अपॉन फाइव आर थ्री हो जाएगा ठीक है तो जो भी चेंजेस है कहाँ पर है फर्स्ट एंड सेकेंड रो में तो थर्ड वाला रोक अपन एज इट इज लिख लेंगे दैट इज ज़ीरो जीरो वन तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्स आएगा अब अपन करेंगे टू अपॉन फाइव का मल्टीप्लिकेशन ओके किस मे? रो में थर्ड वाले में सो ये अपना क्या होगा जीरो हो जाएगा ये अपना जीरो हो जाएगा और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा टू अपॉन फाइव और इसको अपन टू अपॉइंट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो, तो ये अपना क्या हो जाएगा ये ट्वेल्व अपॉन फाइव हो जाएगा अब ऐड करते हैं दिस प्लस दिस दैट इज वन दिस प्लस दिस दैट इज जीरो दिस प्लस दिस

वन अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या होगा ये 1 5 हो जाएगा और यहां पे क्या होगा 6 1 5, 6 5 हो जाएगा ठीक है सो जीरो प्लस दैट इज अगेन जीरो प्लस फाइव कितना होगा दैट इज हाउ मच थ्री ओके नाइन अपॉइंट फाइव प्लस अपॉइंट फाइव बेस कॉमन तो क्या होगा न्यूमरेटर अपना ऐड हो जाएगा दैट इज फिफ्टीन अपॉन फाइव फिफ्टीन अपॉन फाइव मतलब थ्री हो गया ठीक है ओके okay. अब देखो इसको अपने नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर चुका है तो यहाँ से हम क्या क्या लिख सकते हैं द The... क्या क्या होंगे यहाँ पे x इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू थ्री एंड जेड इक्वल्स टू x इक्वल्स टू टू वाई इक्वल्स टू थ्री एन जेड इक्वल्स टू सिक्स और ये अपना क्या होगा ये कंबाइन अपना आंसर हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच